यूएस जाने की तैयारी आपकी चल रही है जोरदार? हाँ, यूएस जाने की तैयारी बिल्कुल फाइनल स्टेज पे ही है। अच्छा देखिए, यूएस जाने में अगर आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि कम से कम एक या दो जोड़ी गर्म कपड़े होने चाहिए, क्योंकि अच्छा अच्छा वहाँ अभी इस पे सीजन में अभी भी? इस सीज़न में भी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो अच्छा, आप देखेंगे, देखिए ये वाला जो सूटकेस है, इसके अंदर ऐसे गर्म कपड़े हैं जो कि आप इमीडिएटली यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही फ्लाइट में बैठेंगे वहाँ पे ठंड लगेगी। अच्छा, ये हैंडी रहेगा जो कि केबिन बैगेज के साथ में जाएगा। ये जाएगा, जा हाँ सकता है? हाँ ये केबिन बैगेज के साथ में जा सकता है ये। हाँ, और कितने किलो तक का होगा ये? ये तो लगभग 4 या 4.5 किलो के आसपास का होगा। केबिन बैगेज में 7 से 7.5 किलो के आसपास की इंटरनेशनल फ्लाइट में लिमिट होती है। अच्छा, और ऐसे कितना वजन आप ले जा सकते हो? ऐसे इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर आप देखेंगे तो 26 किलो के 2 पैकेट 2 बैगेज जाएंगे, जो कि अपने साथ में लेके जा सकते हैं। इसके ऊपर अगर एक्सेस होता है तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अच्छा, ये सूटकेस है जिसमें आप खाने पीने का एक तरफ में सामान रखा हुआ है। क्या क्या लेके जा रहे हैं? देखिए, दिखाएं जरा। खाने पीने के सामान में आप देखेंगे तो ड्राई फ्रूट्स हैं, हाँ, बाकी कुछ नमकीन है, और कुछ स्पेशलिटी जो इंडिया में मिलती है वहाँ पे नहीं मिलती वो हैं, दवाइयाँ हैं, अच्छा, इस तरह की चीज़ें हैं तो उसके। मेडिसिन के अलावा आपने क्या इंश्योरेंस भी लिया, मेडिकल हाँ, इंश्योरेंस? मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस लेना पड़ता है जिसके अंदर मेडिकल इंक्लूडेड होता है। ओके, ट्रेवल इंश्योरेंस में मान लीजिए कुछ अनहोनी फ्लाइट के समय या ट्रेवल के समय में ड्यूरिंग वो वाला जो पीरियड है उसमें अगर कुछ हो जाता है तो उसके अंदर होता है। इवन अगर आप ट्रेवल ड्यूरिंग ट्रेवलिंग अगर आपके पास कुछ बर्गली वगैरह हो जाती है तो वो सब कवर होता है उसमें, डिफरेंट वो है। ये सारे गर्म कपड़े हैं, अच्छा, इस वाले में भी पूरे गर्म कपड़े हैं जो कि वहाँ पे जाके पहनने के काम में आएंगे। हाँ, ये आपके ऑलरेडी पैक्ड ये है? ऑलरेडी पैक्ड हैं, इसमें कुछ में तो खाने का सामान है, बाकी अच्छा, अपने डेली यूज़ के कपड़े हैं। मतलब जैसे दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो टोटल कितना आपका वजन हो गया है? अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 4 बैगेज हाँ, और 52 किलो पर है ऐसा करके अलाउ है, मतलब कुल मिला के 104 किलो तक लेके जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब अपन इंटरनेशनल फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट पकड़ने के लिए जब डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ते हैं वहाँ पे केवल 15 किलो एक जने के साथ अलाउड है। सो ओहो, 15 किलो और 1 बैगेज, तो अच्छा, वहाँ पे फिर आपको एक्स्ट्रा बैगेज और वो परचेस करना पड़ता है। तो वो कितना उसमें चार्ज डिफरेंट लग जाएगा डिफरेंट एयर आपका? उसमें डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन के डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं। एयर इंडिया इसमें सबसे महंगा है और अच्छा, सबसे सस्ता इसमें शायद इंडिगो है। अभी तक का मैंने इंडिगो ट्राई किया है, हाँ, इंडिगो में अप्रॉक्सीमेटली 3,500 रुपये के आसपास कुछ लगता है, जिसमें 30 किलो के आसपास आप एडिशनल बैगेज लेके जाते हैं। और नंबर्स का भी है उसमें, एक तो किलोस का है और एक नंबर्स का है। अच्छा सो अच्छा नंबर्स में 900 रुपीज़ चार्ज लगता है हाँ पर एक्स्ट्रा हाँ पैकेज, ओहो, और 30 kg का 3,500 लगता है, एंड सो ऑन, इस तरह से अच्छा होता है। अच्छा और जैसे आप लोग ये जा रहे हैं, कौन सी फ्लाइट ज़्यादा बेस्ट होती है? अगर आप यूएस की बात करें तो किस तरह की फ्लाइट देखिए, आप इसमें दो करेंगे? या तीन तरह की फ्लाइट होती है। एक तो होती है नॉन स्टॉप फ्लाइट्स ओके, वो कितने घंटे की होती जो है? कि लगभग 15 घंटे के आसपास की फ्लाइट होती है, 14 से 15 घंटे के आसपास की फ्लाइट होती है। अच्छा, इसके बाद में 1 स्टॉप 2 स्टॉप अलग अलग फ्लाइट्स होती हैं, लेकिन अगर आप हाँ देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल और कंफर्टेबल होती है वो 1 स्टॉप फ्लाइट होती है, कि यहाँ से आप एक अच्छा, जगह पे अबू धाबी पे दुबई में या कहीं पे ऐसा आप एक जगह स्टॉप लें हाँ, और उसके बाद में फिर वहाँ से फिर अमेरिका के जहाँ भी बोस्टन वगैरह है वहाँ के लिए आप फ्लाइट पकड़ें, वो करीब 10 से 12 घंटे के आसपास की फ्लाइट होती है। अच्छा, इसमें कंफर्ट के हिसाब से देखें तो जो एमिरेट्स की फ्लाइट है हाँ, वो अच्छी कंफर्टेबल होती है। इसमें आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जब भी आप अपना बैगेज जो लेंगे, चेक इन बैगेज जो होगा उसके अंदर आपको TSA लॉक्स अवेलेबल होने हाँ, चाहिए, इसके बारे में क्योंकि थोड़ा सा बताएं अगर कैसा होता है टीएसए लॉक? TSA लॉक्स में क्या होता है कि सबसे पहले निशानी होती है कि ये वाला जो रेड ये है, हाँ, ये इंडिकेशन है कि TSA लॉक है। ओके इसका ओके, बेनिफिट ये होता है, मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से, कि उन लोगों को फिर आपको बुलाना नहीं पड़ता, वो यहाँ पे की डाल के इस लॉक को खोल सकते हैं। अच्छा सो जिस अच्छा समय सिक्योरिटी चेक इन होता है वहाँ पे, तो
चेक इन बैगेज का, तो वहाँ पे अगर उनको कुछ डाउट होता है तो वो इस लॉक को खोल के आपका सूटकेस खोल लेते हैं और सामान चेक करके फिर वापस लगा देते हैं। अच्छा अच्छा यहाँ पे आपको बुलाना, अदरवाइज क्या होता है कि फिर वो या तो इस ताले को तोड़ते हैं या चेन को काटते हैं। इसलिए ये आपको ध्यान, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वहाँ पे TSA लॉक होना जरूरी है। तो दो तरह के होते हैं कि या तो आपके पास जो बैगेज है वो इस तरह का जिसमें इटसेल्फ TSA लॉक हो, या फिर ये ऐसे ये लॉक कैसे ले सकते हैं मार्केट में, ये 300 से 350 रुपए के आसपास का मार्केट में अवेलेबल होता है। 2 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला, 4 डिजिट वाला, 5 डिजिट अलग अलग होते हैं। जैसे ये वाला है, ये 3 डिजिट वाला है। मैं आपको एक बता देता हूँ कि जिसमें सूटकेस के अंदर TSA लॉक होता है। ये वाला सूटकेस है, इसमें यहाँ पे ये TSA लॉक है। अच्छा अच्छा, इसमें इनबिल्ट है। कई सूटकेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी आजकल जो आ रहे हैं उन लगभग सभी में होता है TSA लॉक। बाकी के जो होते हैं उसमें TSA लॉक नहीं होता है, तो यहाँ TSA लॉक नहीं है, वहाँ पे आप मार्केट से। बाकी आप खाने के लिए जैसे फ्लाइट में कुछ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं उसमें खाने के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आपको इंडियन फूड चाहिए, जैन फूड चाहिए, किस तरह का चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इवन आप वीगन भी मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा, जिस भी तरह का आपको चाहिए आप जिस समय टिकट बुक कराते हैं वहाँ पे उसको बुक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ पे उनको बता दे कि हमको ये चाहिए तो उस हिसाब से वो दे देते हैं। अच्छा, सभी फ्लाइट्स में आजकल ये सुविधा है। अच्छा अच्छा, और जैसे आप कई फ्लाइट जैसे कहीं पे स्टॉपेज होता है, कोई जर्मनी होके जाती, कोई दुबई होके जाती, तो किस तरह की ज़्यादा हमको कैसी वाली फ्लाइट लेनी चाहिए? मतलब जो जर्मनी जाती वो उससे करवाना चाहिए या इधर दुबई होके जाती? आपकी चॉइस होती है। क्या है कि पहली वाली फ्लाइट जो होती है इन जनरल 3 से 4 घंटे की होती है, क्योंकि आपका इन जनरल दुबई जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दुबई, अबू धाबी और इस जगह की, मतलब UAE के जो कंट्रीज है वहाँ के लिए प्रेफर करते हैं लोग। बाकी लोगों की चॉइस होती है अपने हिसाब से, कई लोग इधर होते हुए भी जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आपसे और भी आगे की जानकारी लेंगे कि वहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे क्या क्या करना पड़ता है। डिटेल में बात करेंगे। हाँ, मैं इसी एक सीरीज में बनाने वाली हूँ, तो जो लोग भी अब्रॉड जाना चाहते हैं, विशेषकर अगर US जाना चाहते हैं, तो आगे और क्या, जैसे आज हमने आप इनसे शेयर किया है कि मतलब इनसे जानकारी ली है कि क्या क्या हमको पैकेजिंग कैसे करनी चाहिए, कितना वजन हम ले जा सकते हैं, लॉक के बारे में भी जानकारी हमने प्राप्त की है। थैंक यू, धन्यवाद।